हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल खेती की फसल पर। आज हम जानेंगे कि जो प्याज की फसल है, लहसुन की फसल है, इनमें जो ज़्यादा थ्रिप्स जो लग रही है, तो इनमें हमें कौन सा जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करने चाहिए जिससे हमारी जो थ्रिप्स है वह भी ख़त्म हो जाए और रस चूसक कीड़े है वह भी ख़त्म हो जाए, जिससे हमें फसल में काफ़ी नुकसान हो रहा है और जो उसकी पूर्ति करें। जो पीलापन जो है प्याज में लहसुन में बहुत ही जो अब महीने में ज़्यादा है, तो इसके लिए हमें जो है इमिडा क्लोरो 70.8 पॉइंट वाला 15 लीटर वाले पंप में आपको लेना है 15 से 20 ग्राम, इसको ले लें और जो है स्प्रे करें। इसके साथ में आपको लेना है 19-19, जिसमें 19% नाइट्रोजन है, 19% जो है फास्फोरस है, 19% पोटास, इन दोनों को आप लीजिए। इसके साथ में एक फंगिसाइड ले लीजिए जिसमें मेटालेक्सी में इनको जब किसी भी अच्छी कंपनी जो आपको अच्छा लगे उस कंपनी का आप ले लीजिए, मेटालेक्सी मैंकोजेब, जिसमें मेटालेक्सी 8% और मैंकोजेब 64% रहता है, यह फंगिसाइड। और एक नीम ऑयल ले लीजिए 15 लीटर वाले पंप में 50 ग्राम, और जो है चिपको ले लीजिए साथ में, जिससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा और दवाई भी काफ़ी अच्छी फैल जाएगी। और दवाई स्प्रे करते समय अपने जो फसल है उसमें नमी रहना बहुत ही ज़रूरी है, नमी से आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपकी जो फसल में अगर ग्रोथ नहीं हो रही है तो साथ में आप जिब्रेलिक एसिड भी ले सकते हैं, जिससे फसलों की साइज भी अच्छी बढ़ जाएगी। और जो है वीडियो में बनाने के लिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो में बनाने के लिए धन्यवाद।